काम क्या था नियो कुत गुड मॉर्निंग ओए आ गया अभी नहीं आ रहा देखना फंस गया कहीं लगता कहीं रुक गया नहीं रुक गया नहीं रुक गया रुक गया चलो नीचे चलता हूँ गुड मॉर्निंग कुत्तू गुड मॉर्निंग आजा आजा कम कम इधर आ क्या हुआ ऊपर सोया था मैं यार जी पापा का फास्ट टैग है उतार दिया हमने ये याद यहाँ से शीशा साफ कर रहा है भाई ये बड़ा बवाल है यार शीशा साफ करने का क्योंकि तो ऐसा चिपक जाता है ना इसमें नया फास्ट टैग लगेगा ना भाई पेटीएम का तो खत्म होगी कहानी इसलिए जी अपना फास्ट टैग उखाड़ना पड़ेगा मेरा तो बहुत ऊपर साइड लगा यार मैं नहीं चाहता हूँ शीशे में निशान पड़े बट ये शीशे में निशान पड़ी अरे भाई बड़ा खतरनाक निशान पड़ रहा है शीशे में देखो देखो क्या भयंकर निशान पड़ रहा है निशान क्या पड़ रहा है उखड़ ही नहीं रहा ठीक से चलो मैं इसको धीरे धीरे निकालने का ट्राई करता हूँ ताकि शीशे में कम से कम निशान रहे थोड़ा सा रह गया है ठीक है सूरज भी चमक रहा है इसमें साइड से देखो देखो थोड़ी देर में साफ करेंगे सो गाइस अभी सीन ये है कि भैया पेटीएम का जो अपना फास्टैग था वो तो हो गई कहानी खत्म क्योंकि आपको पता है पेटीएम को तो बैन कर दिया आरबीआई ने और मैंने ना बहुत वेट किया एक्चुअली भाई देखो कल 15 तारीख है 15 मार्च तक का टाइम था पेटीएम के पास मैंने पूरे 15 मार्च तक वेट किया कि शायद मतलब पेटीएम पे जो बैन लगा है वो पेटीएम कुछ करके अपना मतलब वो हटा ले और क्योंकि पेटीएम मेरे को बहुत सही लगता था मतलब यूज़ करने के लिए मैं बहुत यूज टू था पेटीएम से बट वो चीज़ नहीं हुई एंड पेटीएम का जो बैन है वो बरकरार रहेगा और ऐप में भी लिखा आ रहा है इनफैक्ट अगर आप ऐप खोलते हो तो ऐप में भी लिखा आ रहा है वहाँ पर मैंशन आ रहा है कि 15 तारीख के बाद आप वॉलेट यूज़ तो कर सकते हो बट लेकिन आप उसमें पैसे ऐड नहीं कर सकते हाँ उसमें जो आपके पैसे हैं क्रेडिट जो क्रेडिटेड पैसे हैं उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो बट जो मतलब नए पैसे ऐड नहीं कर सकते तो फास्टैग भी नहीं चलेगा भाई क्योंकि फास्टैग वॉलेट से लिंक होता है ठीक है एंड भाई पेटीएम बैंक वाले जो लोग हैं जिनके पास पेटीएम बैंक ले रखा जिनने तो भाई उसको क्लोज कर दो क्योंकि उसमें पैसे होंगे अगर तो आप 15 तारीख के बाद उसको निकाल नहीं पाओगे मतलब कल के बाद ऑलमोस्ट ओके एंड गाइस अभी आज तो टाइम नहीं हुआ बट लेकिन पापा कल जाएंगे एंड जाके फास्टैग ले आएंगे नया वाला मैं सोच रहा हूँ SBI का मंगा लूंगा ठीक है तो उसके बाद अपना सीधे अकाउंट से पैसे कटते रहेंगे तो ठीक रहेगा ठीक है अभी चलो चल के नहा लेते हैं भैया क्योंकि कल नहाए नहीं हमने तो आज नहाना बहुत जरूरी है ठीक है गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल तो भाई दोपहर हो गई इसलिए मैं गुड मॉर्निंग इसलिए बोलूँ क्योंकि जब उठो तभी सवेरा फिलहाल मैंने उठने के बाद तो कोई बात नहीं हम थोड़ा ब्लॉग लेट कर रहे हैं उठ हम गए थे गुड मॉर्निंग में उठ गए थे ठीक है और उसके बाद नहावा के भाई चेंज कर लिया अभी ऑफिस में बैठे हैं एंड देखो आदि महाशय भी पढ़ रहे हैं यहाँ बैठ के आज ये नजारा देख लो बहुत रेयर देखने को मिलता है बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है बहुत कम लोगों को नसीब होता है देखना आदि भी पढ़ाई कर रहा है लास्ट पेपर बचा इसका अभी अभी थोड़ी देर में चल के भाई खाना खाते हैं आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया बहुत तेज भूख लग रही है बहुत खतरनाक वाली भूख लग रही है चल के लंच कर लेते हैं चल के चलो भाई शुक्रवार लंच चलो सो गाइस ये लगी अपनी प्लेट दाल चावल और सब्जी फटाफट कर लेते हैं लंच कल इशू मिले गए थे और मिले गन लेके आई है ठीक है ये वो बचपन में हम खेलते थे ना पीली गोली वाली आपने भी बचपन में जरूर खेला होगा इससे ये देखो इसमें फिलहाल अभी दो ही गोलियां हैं तुझे गोली मिली थी खाने की तूने आली भैया मैं मेरे को नहीं मारो यार मेरी मैं लग रही है इससे उसमें मारो ड्रोन के बैग में गुम हो जाएगी ये सही है हम अभी निशाना प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी देर में एम करना सीखेंगे मतलब सारे बच्चे भागेंगे और उन पे गोलियां मारूंगा मैं इसलिए लाई हूं मैं इतनी तो गोलियां भी नहीं है क्या बोल रहे हो आप इतनी तो गोलियां भी नहीं है आप घर से बाहर निकल तो जाने ना अभी मम्मी लोग सर क्या बोल रहे हो एयर गन की गोलियां मंगा लो छेद दे मतलब सबको नहीं वैसे छेदेंगे नहीं कहीं और निशाना लगवाएंगे कहां मारेगा एयर गन से कहीं तो बनाएंगे या तो तू एक काम कर तू यहां स्टॉल लगा छोटे छोटे गुब्बारे लगा फिर उसमें निशान लगाएंगे सब मिल जाता है ना कहा जा निकाल के जल्दी जाओ आने वाला भी दिखाता हूँ अब इतनी तेज आवाज कर रही है गोलियां ही तो नहीं है बात तो यही है नहीं तो निशान निशान का नहीं खेलते
बेचारा वो हो गया डर गया, बोले क्या क्या हो रहा है ये, समोसा चलो ठीक है लेकिन चीनी कम रखना थोड़ी सी, ठीक है भाई हम खाएंगे मस्त गरम गरम समोसे आज। ऐसा आदि हमारे लिए कुछ लेके आया भाई, जो कि समोसा और मस्त ग्रीन वाली चटनी है ना, मस्त करके खाएंगे अब इसको और साथ में पियेंगे मीठी वाली चाय। एंड गाइस हम यहाँ इसलिए बैठे हैं, मतलब मैं अंदर इसलिए बैठा हूँ क्योंकि भाई अपना ऑफिस चल रहा है तो साथ साथ कर लेंगे थोड़ी पेट पूजा है ना। सो गाइस भाई ऑफिस में इतना बिजी हो गए थे भाई, टाइम तो कितना हो रहा है, 9:30 बजे अरे कमर अलग दर्द हो रही भाई, चल के देखते हैं घर वाले क्या कर रहे हैं। चलो ओ मेरा बच्चू क्या हुआ बेटा, भाई ऊपर आने के लिए करेगा जिद, नहीं ऊपर नहीं आना, नो ऊपर नहीं आना, जब तक बोलूंगा तब तक आएगा, देखो कम देखा इसको, देखा इसको, ये ना बहुत गंदा हो गया नहीं एक्चुअली ना, ये आजकल यहाँ के लोकल डॉग्स के साथ खेल रहा है ना, जैसे आज तो नहीं खेलने दिया हमने क्योंकि ना कल गाइस इसको जब खेल रहा था ना तो इसकी आंख में ना इस वाली आंख पे इसको चोट लगा दी उसने, नाखून मार दिया दूसरे डॉग ने, तो इसलिए हमने इसको आज खेलने नहीं दिया दूसरे डॉग्स के साथ, है ना मेरा कुत्तू। तो गाइस रात हो चुकी है, खाना वाना खा लिया एंड अपना ऑफिस भी खत्म कर लिया, अभी ना सब लोग सो चुके हैं एंड मैं और आदि जा रहे हैं ऊपर सोने, हम ऊपर ही सोएंगे, कल सुबह मिलते हैं। एंड गाइस इसी के साथ करते हैं इस वीडियो वहीं पे खत्म, आपसे मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, देखते रहिए पीयूष के ब्लॉग्स। गलत बात है, वो पुराने हो गए थे, बता रही हूँ ना, नए थे वो जूते मेरे, दो साल पुराने थे, पता चला वो मेरे पिछले बर्थडे के थे, एक साल भी नहीं हुआ था उनको।